सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा के अंतर्गत आने वाले प्रथम पाठ है, पहला पाठ फर्स्ट चैप्टर की अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने इस पाठ के आधे अंश का व्याख्या आप लोगों के सामने की थी और आधी व्याख्या रह गई थी, उसी का जो है अंश हम लोग जो है देखेंगे। तो देखें यहाँ ये शब्दार्थ लिखा गया है और आप लोगों को सरलार्थ भी है, ठीक है, इन शब्दों के अनुसार ही इसका अर्थ बताया गया है, जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में देखे हैं। तो देखें पहले हम इसका वाचन कर दे रहे हैं, कह रहे हैं पहले आप लोग बुक निकालेंगे और बुक में ही देखते रहेंगे। थर्ड पैराग्राफ है द्विवचन के लिए, जैसे एतौ कौ, एतौ कौ, एतौ शुनकौ अस्तः, एतौ शुनकौ अस्तः, किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चै भुक्तः, न एतौ उच्चै भुक्तः। अगला पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, चौथा पैसेज, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ अस्तः, तौ बलिवर्दौ अस्तः, किम तौ धावतः, किम तौ धावतः, न तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ क्षेत्रम कर्षतः। अगला है एते के, एते के, एते स्यूताः सन्ति, किम एते हरितवर्णा, नहि एते नीलवर्णा। देखेंगे जैसे इसका वाचन हो गया, आप लोग बुक में अपने देखते रहिएगा और इसी प्रकार आप लोगों को अध्ययन करना। एतौ कौ, एतौ शुनकौ अस्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चै उच्चै भुक्तः, तौ कौ, तौ बलिवर्दौ अस्तः, किम तौ धावतः, न तौ क्षेत्रम कर्षतः। तो देखेंगे एतौ मीन्स क्या होता है, ये दोनों, कौ मौ कौन, ये दो वचन के लिए हुई होता है प्रयोग और बहुवचन के लिए, किम माने क्या, शुनकौ दो कुत्ते, अगर शुनकह होता तो एक होता, तौ वे दोनों, यहाँ एतौ था यहाँ तौ है, एतौ मीन ए दोनों और तौ माने वे दोनों, अस्तः माने है, एते ए, ते माने वे, एते माने ए सब और ते माने वे सब, श्वेता, श्वेता माने थैले, के माने कौन और संत माने है। तो इस प्रकार जो है इसका शब्दार्थ आप लोगों की बुक में है, तो बुक से ही शब्दार्थ देखेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं, सरलार्थ इसका ज्ञात करते हैं। तो जैसे पहला है एतौ कौ, एतौ कौ, जैसे कि हमने एतौ माने बनाया बताया ये दोनों, ये दोनों, और कौ माने कौन, तो ये दोनों कौन है, ये दोनों एतौ, ये दोनों कौन है, एतौ शुनकौ, शुनकौ अस्तः, एतौ शुनकौ अस्तः, एतौ शुनकौ अस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। किम देखेंगे, किम, किम एतौ गर्जतः, किम माने क्या, एतौ माने ये दोनों, गर्जतः मीन्स गर्जते हैं, क्या ये दोनों गर्जते हैं, कहता ना, ना नहीं, ना नहीं, नहीं एतौ उच्चै उच्चै भुक्तः, एतौ उच्चै भुक्तः, नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं, भुक्तः माने भौंकना, और
उच्चई माने जोर से या तेजी से, उच्चई मीन्स क्या होता है, जोर से या तेजी से। ये लो, ये दोनों कौन कुत्ते, ये दोनों कुत्ते नहीं, ना माने नहीं, ये दोनों जोर से भौंकते हैं या तेज से बोलते हैं। अब देखें द्विवचन के लिए, तऊ कऊ, वे दोनों कौन है, तऊ बलि वर्धव अस्त है, वे दोनों बैल हैं। तऊ माने वे दोनों, तो यहां देखेंगे कऊ माने कौन है, तऊ कऊ वे दोनों कौन है, तऊ बलि वर्धव अस्त है, वे दोनों बैल हैं। वे दोनों क्या है, बैल हैं। किम तऊ धावत है, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, ना नहीं, तऊ क्षेत्रम कर्षत है, नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं या जोतते हैं, वे दोनों खेत जोत रहे हैं या खेत जोतते हैं। आगे देखेंगे बहुवचन का, ये दो वचन का हो गया, और बहुवचन के जो है वह पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, तो देखेंगे एते के, एते के, ए सब कौन है, एते के ये बहुवचन है। यहाँ अभी आप लोगों ने दो वचन का देखा कि दोनों, दो कुत्ते दो बैल, तो इसी प्रकार जो है अब बहुवचन का रूप, आपने पहले दो पैराग्राफ में एक वचन के बारे में पढ़ा, उसके बाद इस सेकंड दो पैरा में जो है आप लोगों ने द्विवचन के बारे में पढ़ा, द्विवचन पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान किया। अब जो है ये दो पैराग्राफ जो है वह बहुवचन के हैं, बहुवचन का जो है हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे एते के, ए सब कौन है, आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि एते श्युता, श्युता संति, ए थैले हैं या ये सब थैले हैं। ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णा, किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं, किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं, कहता नहीं नहीं नहीं, एते नीलवर्णा, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। देखेंगे यहाँ किम एते नीलवर्णा, नहीं एते, देखिए किम एते, देखिए किम एते हरितवर्णा, क्या ये सब हरे रंग के हैं, तो क्या ये सब हरे रंग के हैं, कहता नहीं नहीं, एते नीलवर्णा, नहीं ये सब नीले रंग के हैं। तो इस प्रकार जो है आप लोगों की ये जो है ये थर्ड तीन पैराग्राफ जो है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जहाँ ना समझ में आए आप लोग फ़ोन करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगले पैराग्राफ को अगली वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।